नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा एक्सप्रेस लोन के बारे में, जो कि लेजी पे के ऐप में आपको मिल जाता है। मुझे ये ऑफर मिला है और उसके बाद आपका क्या प्रोसेस रहता है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में बात करूंगा डिटेल में। वीडियो पहली बार देखो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पर स्क्रीन देखिए, इस तरह से कुछ नोटिफिकेशन आपको आ जाता है। एक्सप्रेस लोन ऊपर लिखा रहता है और आपका जो होम पेज है वहीं पर आपको एक्सप्रेस कैश जो है वो इस तरह से करके दिखता है। 5 लाख तक आपको यू हैव अप टू 5 लाख अनयूज कैश इस तरह से लिख करके आता है, यानी कि 5 लाख तक आपको मिल सकता है यहाँ पर लोन। और गेट इट नाउ पे कर देंगे तो आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं, वहाँ पे आपको KYC वगैरह हो जाएगी, आपकी डिटेल्स वगैरह ले ली जाएगी, जैसे और अदर ऐप में आपने कभी लोन अप्लाई किया होगा उसी तरह से प्रोसेस रहता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे ही ऑफर आया था उस वक्त मैंने इसको अप्लाई नहीं किया था, लेकिन अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको नोटिफिकेशन आया है तो आप जल्दी से उसको, अगर आपको लेना है तो रिक्वायरमेंट है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट है और इस तरह से नोटिफिकेशन आपको आया है तो आप उसको एक्सेप्ट करके गेट इट नाउ करके ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये ऑप्शन आया था उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ, ये 1 या 2 दिन पहले मुझे ये ऑप्शन मिला था, लेकिन अब मैं वहाँ देख रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे होम पेज पे ये ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है कैश लोन का। तो अगर आपको आता है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो मुझे लगता है कि ये ऑप्शन जो है वो जल्दी ही वो हटा देते हैं, मुझे लगता है एक बार ऑप्शन देने के बाद, क्योंकि वो फिर मुझे लगता है कि अगर आपने 1-2 दिन में उनको अप्लाई नहीं किया या फिर कैश लोन के लिए प्रोसेस नहीं डाला आपने, तो उनको लगता है कि शायद आपको रिक्वायरमेंट नहीं है और वो किसी और अकाउंट पे ये नोटिफिकेशन शायद भेज देते होंगे या किसी और यूज़र को वो ऑप्शन जो है वो दिखा देते होंगे, ऑप्शन दे देते होंगे। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो 1 या 2 दिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया उसके बाद मैंने ऐप देख रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे ऑफर हट गया है, होम पेज पर मुझे वो नज़र नहीं आ रहा है। प्रोसेस की बात करूँ लोन की तो ऑलरेडी मैंने सारी इस पर वीडियो बना रखी है। इसके आगे का प्रोसेस ये है, अगर आप गेट इट करते हैं तो आपको वहाँ पे KYC वगैरह आपकी नॉर्मल डिटेल ली जाएगी और उसके बाद वो आपको वेरीफाई करेंगे आपके पैन नंबर से और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, जिससे आप रेगुलर यूज़ करते होंगे या फिर रेगुलर पे लेटर सर्विस को यूज़ करते होंगे, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते होंगे, तो वही नंबर आप ज़रूर इसमें डाल करके कंटिन्यू करना। और जो आपका लेजी पे कार्ड का जो नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसमें वो ऑलरेडी अगर आपको क्रेडिट लिमिट वहाँ पे मिली है और अकाउंट आपने बनाया है तो मुझे लगता है कि अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं, ओवरड्यू नहीं कर रहे हैं और जो बिल है उसको, और ऐसा नहीं है कि आपने पे नहीं किया किसी मंथ में, तो अगर आपकी प्रोफाइल ठीक है तो वहाँ पे आपको ये ऑफर मिल जाता है और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस वही है, सेम है जैसे आप अदर प्लेटफॉर्म्स पे करते होंगे अप्लाई। और अगर आपको यही लोन जो ऑफर है होम पेज पर देखने को मिलता है तो आप उसको अप्लाई कर लेना, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मेरे जो होम पेज पर है वहाँ पर कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए दिखा था, मैंने अप्लाई नहीं किया और उसके बाद अब वो नहीं दिख रहा है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। वीडियो पहली बार देख रहे हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। कुछ ऐसा है जो इस लोन के बारे में आपको पता है और मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, लेजी पे ऐप का जो ये कैश लोन है, एक्सप्रेस लोन है, उसके बारे में, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं डिटेल में, ताकि मुझे भी पता चले, लोगों को भी पता चले। कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर भी बात आपसे हो पाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। नमस्कार।